तो चलिए बनाते हैं फिर। काउल कह लीजिए, नेक वार्मर कह लीजिए, बड़ों के लिए किस तरीके से बनाया जाता है। अब देखिए, नॉर्मल वूल ली है मैंने, ये देखेंगे आप, नॉर्मल वूल है, 4 प्लाई की वूल है बेसिकली, और 10 नंबर की सिलाई से जो है इसे मैं बना रही हूँ। अब देखिएगा, ये फंदे आपने थोड़े से अपने हिसाब से डालने हैं, मैं तो इसमें 60 फंदे डाल रही हूँ। अगर आपने थोड़ा चौड़ा चाहिए तो आप थोड़ा सा 4 या 6 फंदे ज़्यादा डालिएगा, इस तरीके से आप उसे कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत जनरल वाला बता रही हूँ, जो बिगनर्स भी बना सकते हैं, बहुत नॉर्मल बता रही हूँ। 60 फंदे डाले हैं। अब हमने क्या करना है, 6 सलाइयों की मैं जो है सीड स्टिच बनाऊँगी। बेसिकली सीड स्टिच कह लीजिए, इच्चक दाना कह लीजिए, या फिर जो हम सीधा उल्टे के ऊपर सीधा उल्टा डालते हैं उस तरीके से बनाएंगे। अब चलिए देखिए किस तरीके से करते हैं। 60 फंदे मैंने डाले हैं। अब मैं ये वाला लाइन तो पहले एक सीधे एक उल्टे की करूँगी। आप ये देखिएगा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, पूरी लाइन इसी तरीके से करूँगी, एक सीधा और एक उल्टे की पूरी लाइन करूँगी। ये देख लीजिए, एक लाइन हमने इस तरीके से पूरी कर ली है। आप देखिएगा, अब क्या करूँगी, आप जो मुझे सीधा फंदा दिखेगा उसके ऊपर मैं उल्टा बनाऊँगी, और जो उल्टा दिखेगा उसके ऊपर सीधा बनाऊँगी, यानी कि इच्चक दाना जो हम है इसमें डालेंगे, सीड स्टिच भी कहते हैं। अब ये देखिए, पहला फंदा तो उतारूँगी क्योंकि ये मुझे एक एज जो है इसकी स्मूथ बनानी है, तो ये तो फंदा उतारा। अब ये आपको उल्टा दिख रहा है तो इसे मैं सीधा बनाऊँगी, ये सीधा दिख रहा है तो इसे उल्टा बनाऊँगी, अगेन धागा आगे करके ये उल्टा इसे सीधा, यानी कि जो जैसा दिख रहा है उसके विपरीत बनाना है। सीधा दिखेगा तो उल्टा, उल्टा दिखेगा तो सीधा, पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। ये देखिए, लाइन पूरी हो गई, पलट लीजिए। अगेन वही, अगर यहाँ पे मुझे सीधा दिखेगा तो मैं उल्टा बनाऊँगी, और उल्टा दिखेगा तो सीधा। तो पहला तो उतारूँगी स्मूथ एजिंग के लिए। अब ये देखिएगा, ये सीधा फंदा है तो इसे मैं उल्टा बनाऊँगी, अब ये उल्टा दिख रहा तो इसे सीधा। इस तरीके से मैं अब ये 4 लाइन्स करूँगी, और उसके बाद हम इसमें पहले बटन होल्स डालेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा अगर आप चाहो तो अपना डिज़ाइन डाल सकते हैं, या प्लेन बनाना चाहे तो प्लेन बना सकते हैं। तो चलिए पहले ये लाइन पूरी करके हम इसके बाद इसमें जो है बटन होल डालेंगे। देखिए इस तरीके से ये बना लिया, आप ये देखेंगे, आप इसमें हमें बटन होल्स डालने हैं। देखिए बटन होल्स कैसे डालेंगे, ये उतारा, करना वही है, जो उल्टा दिखेगा उसे सीधा बनाना है, सीधा दिखेगा उसे उल्टा बनाना है। अभी देखिए, मैंने 2 2 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बनाए। अब यहां पे मैं जो है बटन होल डालूंगी, धागा अपनी तरफ करके इसे उतारूंगी, ध्यान से देखिएगा, इसे बुनूंगी और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार दूंगी। तो ये हमारा यहाँ पे बटन होल बन गया। अब एक बनाना वही है, सीधा दिखेगा तो आपको उसके ऊपर उल्टा बनाना है, उल्टा दिखेगा तो सीधा बनाना है। 2 3 7 8 9 10 10 फंदों का गैप रखूंगी मैं सेंटर में, आप अपने हिसाब से रखिएगा। धागा अपनी तरफ किया, इसे उतारा,
इसे आपने बुना, उतारे हुए फंदे को आपने उतार दिया। तो देखिएगा यहाँ पे आपको बटन होल बन जाएगा। अगेन 10 फंदे बनाऊंगी, ये देखिए 10 फंदे बन गए। फिर बटन होल डालना है, धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, इसे बनाया, इसको इसके ऊपर से उतार दिया। अब फिर 10 फंदे बनाऊंगी, ये देखिए 10 फंदे बन गए। अगेन यहाँ बटन होल, धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, इसे बनाया, इसे उतार दिया। फिर ये बाकी फंदे हम जैसे बनाने थे वैसे ही बनाएंगे, सीधे के ऊपर उल्टा और उल्टे हुए ऊपर सीधा। उल्टी लाइन पूरी वैसे ही, सीधे के ऊपर उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा, इस तरीके से करेंगे आप। अब ये देखिएगा आप, ये बटन होल्स हमारे आप ये देखेंगे इस तरीके से बन गए हैं, दिख रहे हैं। अब दो लाइंस ऐसे ही करूँगी, उसके बाद आप चाहे जो भी डिज़ाइन डालना चाहे या इसी तरीके से बनाना चाहे या इसे प्लेन बनाना चाहे, वो आपकी मर्ज़ी है। पहले मैं दो लाइन करूँगी, इसके बाद जो मैं डिज़ाइन डालूँगी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से करेंगे। पहले दो लाइन्स हम इसी तरीके से करेंगे, यानी कि सीड स्टिच, इचक दाना ही हम इसे बनाएंगे। अब ये देखिए उल्टा दिख रहा है, तो इसे सीधा बनाऊँगी। दो लाइंस इसी तरीके से करूंगी। अब देखिए दो लाइंस मैंने बटन होल्स के बाद पूरी कर लिया। आप ये देखेंगे, ये देखिएगा बटन होल्स इस तरीके से दिख रहे हैं आपको, ये देखिए। अब ये दो लाइंस पूरी कर ली। अब मैं इसमें छोटी सी केबल यहाँ पर डालूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूंगी, बाकी मैं इसे ऐसे ही चलाऊँगी, ये सीड स्टिच ही चलाऊँगी जैसे मैं करती आई हूँ, यही बनाऊँगी। तो देखिएगा किस तरीके से ये उतारा आपने, सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा करना है आपने। अब देखिए ये हम आ गए यहाँ पे, अभी मेरे पास 16 फंदे बचे हैं। ये मैंने वैसे ही किया, एक सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा। अब यहाँ से मैं 8 सिलाइयाँ, 8 फंदे सीधे बनाऊँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 फंदे सीधे बनाएं, अगेन सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा। ये सीधा है इस पे उल्टा, ये उल्टा है इस पे सीधा। ये 8 फंदे मैं इसी तरीके से करूंगी। उल्टे में भी पहले 8 फंदे वही करूंगी, सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा करूंगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये 8 फंदे उल्टे बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सात आठ। अगेन बाकी सारे फंदे उल्टे पे सीधा और सीधे पे उल्टा। अब आ गए हम सीधी लाइन में। अगेन ये सारे फंदे तो मैं वैसे ही करूँगी सीधे पे उल्टा उल्टे पे सीधा। ये आठ फंदे सीधे और ये आठ फंदे सीधे पे उल्टा उल्टे पे सीधा। तो अभी मैं चार लाइंस यानी कि दो लाइंस, एक ऐसे और एक ऐसे, दो लाइंस इसी तरीके से यही दो लाइंस दोहराऊँगी। उसके बाद हम केबल को ट्विस्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से है, सीधे पे उल्टा उल्टे पे सीधा करती हुई जाऊँगी। अब ये देखिए चार लाइंस मैंने इस तरीके से किया, आपको यहाँ पे सीधे दिख रहे होंगे। अब ये लाइन में वही सीधे पे उल्टे उल्टे पे सीधे करके आई हूँ और लास्ट में जो मैंने आठ फंदे सीधे आपसे रखवाए थे उसे हम ट्विस्ट करेंगे। अब देखिएगा चार फंदे उतारूँगी, दो तीन चार, इसे आगे की तरफ रख के चार फंदे सीधे बनाऊँगी। एक दो तीन चार, अगेन इन्हें लेकर इन्हें भी सीधा बनाऊंगी। एक दो तीन चार, अब सीधे पे उल्टा उल्टे पे सीधा जैसा बनाती आई हूँ वैसा बनाऊंगी। अब आपको इसी तरीके से ये छह लाइंस रिपीट करते हुए जानी है, तो आपका ये केबल टाइप चढ़ेगा, ट्विस्ट होते हुए बनेगा। यही छह लाइंस जो मैंने बोली, आप चाहे तो आठ लाइंस रख सकते हैं, थोड़ा गैप लंबा रख सकते हैं, वो आप गैप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने चार लाइंस रख के ट्विस्ट किया है, आप छह लाइंस या आठ लाइंस रख के ट्विस्ट कर सकते हैं। और बाकी ये सीधे पे उल्टा उल्टे पे सीधा दोनों तरफ से इसी तरीके से बनेगा। अब हमें इसे बनाते हुए जाना है, कम से कम मैं समझती हूँ 22 इंच के आसपास बनेगा। मैं इसे बना लेती हूँ फिर आपको बताऊँगी कि कितना लंबा इसे बनाएंगे। एंड देन अगले बॉर्डर पे हमें इसी तरीके से ये जो छोटा सा बॉर्डर रखा है वो करके बंद कर देना है। तो चलिए पहले से हम इसकी लंबाई पूरी कर लेते हैं। अब ये देखिए कम से कम मैंने जो है 28 इंच लंबा बनाया है। आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही इसे मैं करते हुए गई हूँ। ये मैंने 28 इंच लंबा बनाने के बाद यहाँ पे जितना बॉर्डर मैंने यहाँ किया था चार लाइंस या आठ लाइंस का उतना ही यहाँ रखा है और उसके बाद उसे एक एक फंदा करके मैंने बंद कर दिया। अब ये आपका काउल जो है तैयार हो गया। अब देखिएगा इसको किस तरीके से बटन आपने कैसे लगाने हैं, आप ये देखेंगे जब आप इसे जो भी पहनेगा इस तरीके से होगा, ये ऐसे आएगा और आपका जो ये पोर्शन है ये इस तरीके से आएगा। ये देखिए तो ये आपका काउल जो है बहुत ही उससे आसानी से बन जाएगा। अब आपने बटन कहाँ पे लगाने हैं वो देख लीजिएगा। इस साइड पे मैंने जो है बटन होल्स कर रखे हैं, आप देख रहे होंगे। ये लेफ्ट साइड है मेरे, लेफ्ट हैंड है और ये राइट साइड है। आपने इस तरीके से इसे रखना है और देखना है कि बटन होल्स कहाँ पर है, वहाँ वहाँ पर आप अपने इससे देखिएगा। ये मैंने ऐसे रखा हुआ था तो यहाँ पर मेरा बटन होल था, ये देखिए, और यहाँ पे मैंने इसे मार्क लगा दिया कि यहाँ मैं जो है ये बटन इस तरीके से लगाऊंगी। एंड अनदर होल जो है मेरा यहाँ पे है, ये देखिए, तो अनदर मेरा यहाँ पे लगेगा। तो पहले मैं इसमें बटन लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये आपको नज़र आएगा। आप ये देखिएगा, नेक वार्मर कह लीजिए, काउल कह लीजिए, इस तरीके से बहुत आसानी से बनता है। अब पहले मैं इस तरीके से बटन होल्स के
ऐसे रखूँगी बटन्स एंड देन बटन लगाऊँगी। ज़रूरी नहीं है कि आपने चार पांच किया तो आप चार पांच बटन्स ही लगाइए, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितने भी बटन आपको लगेगा कि यहाँ पे करना चाहिए। तो देखिए जहाँ तक मैं समझती हूँ मुझे 1, 2, 3 बटन लगाऊँगी या ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 बटन लगाऊँगी। अगर मुझे 3 लगाना है तो एक बटन मुझे यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है और एक और बटन जो है मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ये देख लीजिए, ये इस तरीके से मैं बटन लगाऊंगी और जब हम बंद करेंगे तो ऐसे आएगा। तो पहले इसमें मैं बटन लगा लेती हूँ, फिर आपको इसको मैं दिखाती हूँ कि ये आपका काउल जो है या इजीएस्ट वे सबसे नेक वार्मर किस तरीके से लगेगा दिखेगा आपको। अब देखिए इस तरीके से मैंने इसमें बटन लगाए हैं आप देखेंगे, और इसको हम जब डालेंगे नेक पे तो ये इस तरीके से आएगा। आप आपका जो बटन होल्स हैं आप इस तरीके से इनमें डालेंगे, ये देखिए ये आपने डाला ऐसे। अगेन दूसरा वाला बटन होल यहाँ जाएगा, ये देखिए, एंड थर्ड इज यहाँ। तो इस तरीके से आपका जो है ये काउल की जो मैं दिखाने जा रही हूँ कि किस तरीके से आपको दिखेगा, ये देखिएगा। तो ये काउल आपका ऐसे तैयार हो गया। आप चाहे तो वो बटन होल इस पे भी डबल करके यहाँ पे भी डाल सकती हैं, ये जो हमने इसका बनाया था, ये देखिए। तो इस तरीके से आपका जो है ये काउल देखेगा, नज़र आएगा नेक का। बाकी ये तो फिनिशिंग वर्क है, लास्ट में हमें करना होता है। तो देखिए इस तरीके से बन गया है। तो चलिए अब आप बनाइए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि लंबाई छोटा अगर आप चाहे तो इससे थोड़ा सा कम रखिएगा, वो आपके अपने हिसाब से मर्ज़ी है कि आप फोल्ड करना चाहते हैं कि नहीं। और लंबाई अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अपने हिसाब से लंबा और छोटा रख लीजिएगा। मैंने इसे 28 इंच बनाया है एंड आई थिंक सो 28 इंच इज़ एनफ, बट अगर आपकी गर्दन पतली है या मोटी है तो आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा, लंबाई अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी देखिएगा ये देखने में इस तरीके से जो है आपका लगता है। थैंक यू।